ये प्रॉब्लम हो गया है कि पढ़ना लिखना हर औरत को, औरत का राइट है, बेशक है, और इस्लाम ने ही तो वो राइट दिया है, उससे पहले कहाँ पढ़ते थे। लेकिन आज लिबरल जमाने में उसे चेंज कर दिया गया है, इसे ये दिखाया जाता है कि इस्लाम में पढ़ाई नहीं है, जबकि बिल्कुल गलत है। वुमेन राइट अगर आप देखोगे तो इस्लाम ने ही दिया है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा हो, चाहे अगर आपके हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है, आपको दूसरी शादी का अपॉर्चुनिटी हो, अगर हमारे अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे हस्बैंड नहीं है तो हम खुशी में शरीक हो सकते हैं, और अगर हम हेज में हैं तो भी हम घर में शरीक, कोई भी काम कर सकते हैं, नमाज के रूम में जा सकते हैं। जो छोटे से रेगुलेशन हैं हमें वो फॉलो करने हैं बस, कि कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी है, वो नहीं उठानी, बट उसके अलावा तो हर राइट दिया गया है। तो ये राइट कहाँ से आया? ये हमें स्कूल कॉलेजेस में नहीं दिया, जो आज लोग लिबरल बन के घूम रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते, इन्होंने नहीं दिया। तो हमें एक इतना अच्छा रिलीजन मिला है कि हमें पहले से ही औरतों का राइट इतना ज्यादा है, तो हमें बिल्कुल भी, हम बेशक पढ़ाई करें पर इस दुनिया के उसमें ना घूम जाए कि ओ हमें वुमेन, हमको हमारी आज़ादी चाहिए, हमारी मर्जी। आजकल ऐसे ऐसे नारे हैं कि बोलने भी शर्म आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप इसके बारे में बात कैसे करें। बट जाहिर सी बात है, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीके की एजुकेशन ले रहे हैं और हमने भी ली है, तो हम कोशिश करते हैं दैट जो हमें एजुकेशन मिली है ना, हम उसे सही रुख पे लेके जाए, बेशक जिससे हमारा भी फायदा हो, दीन का और दुनिया का दोनों का। क्योंकि अगर इंसान का सिर्फ दुनिया का फायदा हो गया और दीन जीरो रह गया, तो ये तो दुनिया का तो जो भी पढ़ाई लिखाई है हमारे कब्र में तो आनी नहीं है, ये तो खत्म हो जानी है। हमारे साथ सिर्फ हमारे अमल चलेंगे। दुनिया का नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर अल्लाह चाहते कि हमारे पास दुनिया का नॉलेज नहीं हो तो हमें भी कोई कुत्ता बिल्ली चूहा बना के भेजते ना, हमें इंसान क्यों बनाया है, और हमें इतने सेल्स क्यों दिए गए, हमें इतना इंटेलिजेंट क्यों बनाया है। इसीलिए बनाया क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि आप कुछ कर सकते हो। एंड उसी तरीके से दुनिया में इतना प्रोग्रेस हुआ है, जो लोग पहले घोड़े पे और इतने लंबे लंबे सफर करते थे, आज प्लेन बन गया, आज फोन बन गया, लाइट्स बन गई, माइक बन गया कि मैं यहाँ से इतने दूर तक का लोगों से बात कर सकती हूँ, जो पहले लोग सिर्फ सिर्फ अपनी आवाज़ चिल्लाकर बात करते थे। तो ये सारी जो एडवांसमेंट है, अल्लाह ने हमें उसकी एक तरीके से हमें ताकत दी है कि हम इस चीज़ को कर सके। तो हमें इसे राइट तरीके से लेना चाहिए और अपने एजुकेशन को भी सही रुख पे लेके जाए। हम कोशिश करें कि हम बस खुद के लिए खैर हो, दुनिया के लिए खैर हो, हम जिससे जुड़े